पिछले सेशन में हमने देखा था क्या चीज़ के बारे में, जो भी मतलब सेंडिंग या रिसीविंग मेल होता है ना, तो उसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो आपको पिछले वीडियो में ये हमने बता दिया था। अब हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बताया था कि सेंडिंग के लिए हमारा SMTP यूज होता है और रिसीविंग मेल के लिए दो प्रोटोकॉल यूज होता है, POP और IMAP, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब रिसीविंग के लिए हमारा दो मेल मतलब दो प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे कि POP हो गया या IMAP हो गया, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो रिसीविंग के लिए ही यूज हो रहा है, तो ये डिफरेंस जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे उसी पे ये चर्चा किया जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन POP एंड IMAP, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों हम जो हैं दोनों अलग अलग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या चीज, यहाँ पे एक साइड हमने लिखा है POP और एक साइड जो है IMAP, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं POP में क्या डिफरेंसेस हैं। तो कह रहा है कि हैव टू डाउनलोड ऑल मैसेजेज एट वन, यानी कि एक साथ में ये क्या करता है, अगर POP से हम POP यूज करते हैं ना मतलब रिसीविंग के लिए, जैसे इसमें आपको एक दिमाग में और भी आ रहा होगा कि ये तो हम अपना से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं POP और IMAP को, यानी कि रिसीविंग के लिए। तो आउटलुक में ये सुविधा होता है, आप अपना से जो है ये कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें कह रहा है कि POP में हैव टू डाउनलोडेड ऑल मैसेजेस एट वन, यानी कि एक साथ में जो है सारे मैसेज को आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको IMAP में ये सुविधा होता है कि कैन व्यू जस्ट मैसेजेस हेडर्स एंड देन चूज विच मैसेज टू डाउनलोड, यानी कि आप क्या कर सकते हैं ना कि उसमें IMAP में अगर आप कॉन्फिगर किए हुए हैं तो उसमें आप मैसेजेस को हेडर यानी कि जो हेडर होता है ऊपर का हेडलाइन उसको आप पढ़ के उसके बाद में आप चूज कर सकते हैं कि कौन से मैसेज आपको डाउनलोड करना है, और इसमें जो है एक साथ सब मैसेज डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस का, तो नेक्स्ट डिफरेंस में है कि मस्ट डाउनलोडेड ऑल मैसेज, सेम वही बात हुआ कि इसमें क्या होता है सभी मैसेज एक साथ डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं ना कि डिलीट और मूव ए मैसेज विदाउट हैविंग टू डाउनलोडेड इट, यानी कि जो जैसे क्या होता है हम अगर व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको व्हाट्सएप में कोई इमेज मतलब सेंड करता है, आपके पास अगर वो इमेज आता है तो बिना आप उसको डाउनलोड किए हुए किसी और को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं या मतलब भेज नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें सेम लाइक वैसा है, इसमें क्या कर सकते हैं आप मैसेज को पहले डाउनलोड कीजिएगा ऑल मैसेज को, उसके बाद में आप डिलीट कर सकते हैं या जो भी करना चाहें कर सकते हैं मूव वगैरह। लेकिन IMAP में आपको ये सुविधा देता है कि आप बिना डाउनलोड किए हुए मैसेज को डिलीट कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि एक सेकेंड, मस्ट डाउनलोड इंटायर मैसेजेस इंक्लूडिंग अटैचमेंट, इसमें क्या होता है कि जितना भी जैसे मान लीजिए कि अटैचमेंट क्या होता है, कोई अगर डॉक्यूमेंट अटैच करके अगर कोई सेंड करता है तो आपके पास वो आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है मस्ट डाउनलोडेड इंटायर मैसेज, यानी कि सारा मैसेज एक साथ जो है डाउनलोड हो जाएगा, वो भी आपका क्या चीज़ के अटैचमेंट फाइल के साथ। और इसमें क्या होगा डाउनलोडेड ओनली द बॉडी फॉर मैसेज, इसमें क्या होता है केवल आपका बॉडी मैसेज जो है डाउनलोड होता है। तो ये डिफरेंस है IMAP और POP। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें खुद अगर आपका भी मेल को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं यानी कि आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी सुविधा चाहिए, उसके हिसाब से आप यहां से क्या कर सकते हैं रिसीविंग में जो भी मेल होता है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि IMAP और POP से। लेकिन हमको यहां पे देखने में IMAP ही आपको बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बिना इंटायर मैसेज को डाउनलोड किए हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।